गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट वेलकम इन साइंस क्लास टूडे आई विल डिस्कस टिश्यूज इन प्रीवियस वीडियो आई सेट टू योर ई सेल्स कम्बाइन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कम्बाइंड टू फॉर्म टिश्यू बहुत सारे सेल्स आपस में कम्बाइन करके हो करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं टिशोज ठीक है तो टुडे आई विल डिस्कस प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू इज़ ऑप टू टाइप मेरिसमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू ठीक है मैरिसमेटिक टिश्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब देखिए ये प्लांट्स में हमने ओनियन को उसमें ग्लास में डाल दिया और इसकी हमने रूट्स को कट कर दिया तो यहाँ पर टिश्यूज़ वो ख़त्म हो गए अब हमने अगर उसमें प्लांट्स को मतलब ओनियन को हम डालते हैं पानी के अंदर तो फिर क्या होगा वहाँ से तो रूट्स एराइज हो रही थी वो तो ए, हमने स्पेसिफिक स्पेस को क्या कर दिया कट कर दिया अब तो ग्रोथ के लिए हार्मोन ग्रोथ के लिए कोई भी टिश्यूज़ नहीं बचा वहाँ पर तो फिर क्या होगा रूट की ग्रोथ नहीं होगी अब हम मेडिसमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिशू मेरिस्मैटिक टिशू इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिशू ठीक है वो कुछ स्पेसिफिक जगह पर लोकेटेड होते हैं ठीक है थीके? जैसे मेरिसमेटिक टिशू एपिकल मेरिसमेटिक टिशू ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम ठीक है और लैथरल जो होता है यहाँ पर विथ की ग्रोथ के लिए चौड़ाई की ग्रोथ के लिए इंटर कैलरी नोट्स और इंटरनोट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सी ये देखिए एपिकल मेरिस्टम जो होता है इस प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ इस्टम एंड रोट अगर हमने उसी को कट कर दिया यहाँ पर ओनियन के केस में हमने वहाँ पर रोट्स जहाँ से अराइज हो रही थी उसको पूरा कट कर दिया तो क्या रोट अराइज होंगी नहीं वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज़ प्रेजेंट ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी ठीक है तो ये ग्रोइंग टिप्स आप किसके इस्टम एंड रूट्स आप देखते हो स्टम कितना लंबा होता चला जाता है ठीक है रूट्स कितनी लंबी हो, होती चली जाती हैं तो ये एपिकल मेरिस्टम के कारण है एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट द ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम कैम्बिया ये जो होता है जो होती है बढ़ती है वो हमने अभी बताया था कि कैम्बियम की ग्रोथ जो होती है किसके कारण है लेटरल मेरिस्टम और इंटरक्री कैलरी मैरीस्टम सीन टू सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोट्स जहाँ से नोट्स एराइज है होती हैं ये देखिए इस तरीके से वहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टम फाउंड होता है तो ये ये टिश्यूज़ केवल ग्रोथ के लिए हैं इनमें अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वो नहीं प्रेजेंट होगा ये केवल डिवाइडिंग टिश्यूज़ कहलाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं हाँ सेल आप मेरिस्मैटिक टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव एक्टिव होंगे तभी ग्रोथ हो सकती दे हैव डेंस साइटोप्लाज साइटोप्लाज्म बहुत गहरा होता है इसके अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ठीक है दे लैक वैक्यूस उनमें वैक्योस नहीं होता है वैक्स क्या देता है रिजिडिटी देता है उनकी ज़रूरत नहीं इसको तो केवल ग्रोइंग के लिए चाहिए कैन बी थिंक बाई दे वुड लैक वैक्यूस क्योंकि इनको रिजिडिटी चाहिए नहीं कुछ स्टोर भी नहीं करना इनको फूड इनको तो केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है ग्रोथ के लिए ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट ठीक है तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू